मॉर्निंग स्टूडेंट्स, देखो आज हमें क्या सीखना है, विशेषण। क्या सीखना है? विशेषण। देखो आपकी वर्कशीट पेज नंबर 12, ये ओपन करो। हाँ देखो, वहाँ विशेषण की परिभाषा दी है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। देखो वहाँ सर्वनाम लिखा है ना, वो क्रॉस करो और वहां क्या लिखो, विशेषण कहलाते हैं। वो गलती से हुआ है टाइप करते वक्त। हाँ वहां क्या लिखो, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण या विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल हमें दिया है, जैसे रोहन ने ऊंची इमारतें देखी। देखो रोहन ने ऊंची इमारतें देखी है ना, तो देखो हमें विशेषण क्या आए थे यहाँ। देखो इमारतें कैसी है, हमें मन में हमारे प्रश्न पूछना है, इमारतें कैसी है, इमारतें ऊंची है, तो विशेषण क्या हो गया, ऊंची। विशेषण क्या हो गया, ऊंची। हमें नहीं समझ में आया ना तो प्रश्न पूछने का, इमारतें तो इमारतें कैसी है, इमारतें ऊंची है, तो ऊंची ये क्या हुआ, विशेषण हुआ। ऊंची ये क्या हुआ, विशेषण। इमारतें की, इमारती के बारे में विशेष क्या है, महत्व किसको दिया है, ऊंची इमारत को। दूसरा, रेलगाड़ी के दरवाजे बड़े हैं। रेलगाड़ी के दरवाजे बड़े हैं, तो दरवाजे कैसे हैं, दरवाजे बड़े हैं। दरवाजे के बारे में विशेष क्या कहा गया है, बड़े। दरवाजे के बारे में विशेष क्या किया गया है, बड़े। नहीं समझा तो हमें मन में प्रश्न पूछने का है, दरवाजे कैसे है, दरवाजे बड़े है, तो विशेषण क्या हो गया, बड़े हो गए। तीसरा, गर्मी बहुत है। गर्मी कैसी है, कम है क्या, बहुत है, गर्मी बहुत है, तो विशेषण। गर्मी के बारे में विशेष क्या कहा गया है, गया है गर्मी बहुत है। दुकान में सुंदर खिलौने देखे। दुकान में सुंदर खिलौने देखे, तो खिलौने कैसे है, खिलौने सुंदर है, खिलौने सुंदर है। खिलौने के बारे में विशेष क्या है, सुंदर, तो विशेषण क्या हो गया, सुंदर। घोड़े का रंग काला है, तो घोड़े का रंग कैसा है, घोड़े का रंग काला है, काला ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो विशेषण आपको समझ गया क्या, देखो अभी ये संज्ञा है, रेलगाड़ी ये संज्ञा है, दरवाजे ये संज्ञा है, ये नाम है, नाम के बारे में विशेष कहा गया है तो उसे क्या कहते हैं, विशेषण है ना। देखो रोहन ने ऊंची इमारतें देखी, इमारतें क्या है, नाम है, नाम के बारे में विशेष गुण बताए दिए गए हैं, उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। समझ गए। अभी देखो आपके टेक्स्टबुक में, देखो आपके टेक्स्टबुक में पेज नंबर 67 ओपन करो। देखो पहला ही वाक्य है, जंगल बहुत हरा भरा था। पेज नंबर 67, वाक्यों से विशेषण शब्द चुनकर लिखो। तो जंगल बहुत हरा भरा था, तो हरा भरा ये क्या है, जंगल कैसा था, हरा भरा है ना, तो हरा भरा ये क्या है, विशेषण है। जंगल कैसा था, हरा भरा। आंसर क्या आएगा, हरा भरा था। हाँ, रंग बिरंगे फूलों पर तितलियां मंडराती थी। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे। फूल कैसे हैं, रंग बिरंगे, तो रंग बिरंगे ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। रंग बिरंगे ये क्या हुआ, विशेषण हो गया। हाँ, पेड़ों के पत्ते पीले पड़ते जा रहे हैं। पत्ते कैसे पड़ते जा रहे हैं, पीले। रंग कौन सा होता है उनका भी, पीले, तो पीले ये क्या है, पत्तों के बारे में विशेष कहा गया है। वह बड़ी बड़ी मूछों वाला आदमी था। कैसा आदमी था वो, उसकी मूछें कैसी थी, बड़ी बड़ी, तो बड़ी बड़ी ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। बड़ी बड़ी ये क्या हो गया, विशेषण। पेड़ों के कटने से पर्यावरण गंदा होने लगा। पेड़ों के कटने से पर्यावरण के बारे में कहा गया है ना, तो पर्यावरण कैसा हो गया, गंदा हो गया, तो गंदा ये क्या हो गया, विशेषण हो गया। हाँ, तभी साल सा एक छोटा पेड़ बोला। कौन सा पेड़ बोला, कैसा था वो पेड़ कैसा था, छोटा था, तो वो यहाँ क्या लिखने का, छोटा। साल का कैसा पेड़ बोला, छोटा पेड़ बोला। पक्षी मीठे स्वर में गाते थे,
है ना। स्वर कैसे थे? मीठे थे, तो विशेषण क्या हो गया? मीठे। ध्यान में आया बच्चों आपको विशेषण क्या होता है ना? जो देखो नाम और सर्वनाम उसके बारे में जो विशेष गुण बताए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। अभी देखो हमें क्या सीखना है? विशेष। क्या सीखना है हमें अभी? विशेष। अभी हम क्या सीखे? विशेषण। देखो ये हमारा कंप्लीट हुआ, पेज नंबर है ना 67 हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम क्या सीखेंगे? विशेष। देखो वर्कशीट में 12 नंबर की वर्कशीट ओपन करो। हाँ देखो वहां लिखा है विशेष। विशेष की संज्ञा क्या, परिभाषा क्या है? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जिनके बारे में कहा जाता है उनके क्या, उनको क्या कहते हैं? विशेष। पीला रंग का फूल खिला है, पीला, पीला कैसा फूल है? पीला। पीला रंग का फूल खिला है, फूल खिला है तो रंग कैसा है? फूल खिला है, फूल का रंग कैसा है? पीला है, तो पीला ये क्या हो गया? विशेषण। देखो पीला ये क्या हो गया? विशेषण हो गया है ना। और विशेष्य क्या है? फूल। विशेष्य क्या है? फूल है ना, फूल ये विशेष्य हो गया। फूल का रंग कौन सा है? पीला रंग, पीला रंग ये क्या है? विशेषण। और किसके बारे में कहा गया है? रंग किसका है? फूल का है। पीला रंग किसका है? फूल का है, तो फूल ये क्या हो गया? विशेष्य। फिर आगे राधा के पास रंगीन पेंसिल है, राधा के पास रंगीन पेंसिल है। दूसरा सेंटेंस देखो आपको दिया है, राधा के पास, देखो रंगीन पेंसिल है, राधा के पास रंगीन पेंसिल है। हाँ तो देखो यहाँ देखो विशेषण क्या हो गया, उसमें विशेषण क्या है? पेंसिल कैसी है? रंगीन है। पेंसिल कैसी है? रंगीन है, तो रंगीन ये क्या हो गया? विशेषण। और किसके बारे में कहा गया है रंगीन ये शब्द? किसके बारे में कहा? क्या रंगीन है? पेंसिल रंगीन है, तो पेंसिल ये क्या हो गया? विशेष। पेंसिल ये क्या हो गया? विशेष। देखो अगला पेज ओपन करो, पेज नंबर 13 ओपन करो। देखो उसमें क्या क्या है? विशेष और विशेष्य शब्द छांट कर हमें लिखने हैं, है ना। मैंने स्वादिष्ट पकवान खाए, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट ये क्या होगा? विशेषण। स्वादिष्ट ये क्या होगा? विशेषण। स्वादिष्ट ये क्या होगा? विशेषण। और किसके बारे में? स्वादिष्ट क्या है? पकवान है, तो पकवान ये क्या हो गया? विशेष। किसके बारे में कहा गया है? पकवान के बारे में कहा गया है ना। किसकी विशेषता बताई है? पकवान की विशेषता बताई है, तो पकवान क्या हो गया? विशेष हो गया। और उसका पकवान कैसे है? स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट ये क्या हो गया? विशेषण। मोर के पंख, दूसरा देखो, मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं, तो रंग बिरंगे ये क्या हो गया? पंख कैसे होते हैं? रंग बिरंगे होते हैं, तो देखो रंग बिरंगे ये क्या है? विशेष, विशेषण है। लेकिन किसके पंख, किसके रंग बिरंगे किसके पंख है? मोर के पंख है, तो ये क्या हो गया? विशेष, विशेष। देखो हिमालय पर्वत ऊंचा है, हिमालय ये क्या हो गया? किसके बारे में? कौन ऊंचा है? हिमालय पर्वत ऊंचा है, तो ऊंचा ये क्या हो गया? विशेषण। ऊंचा ये क्या हो गया? विशेषण। और हिमालय पर्वत ये क्या हो गया? विशेष। हिमालय पर्वत ये क्या हो गया? विशेष। समझ रहे हैं आप सबको विशेषण और विशेष। फिर बात है आसमान में काले बादल छा रहे हैं, आसमान में काले बादल है ना, कहाँ है काले बादल? आसमान में। आसमान में कैसे बादल है? काले बादल है, तो काले बादल ये क्या हो गया? विशेषण। और किसके बारे में? काले बादल कहाँ है? आसमान में। आसमान विशेषण लिखना है।
मेरी गाय ने आज 5 लीटर दूध दिया। कैसा दूध दिया गाय ने? दूध कैसा दिया? 5 लीटर दूध दिया। 1 लीटर, 2 लीटर, 5, 7, 10 लीटर, कितने लीटर दूध दिया गाय ने? 5 लीटर। तो 5 लीटर ये विशेषता है, तो ये विशेषण बिल्कुल है। और किसने दी 5 लीटर दूध? किसने दिया? गाय ने दिया। तो गाय दूध ये क्या है? विशेष। गाय का दूध ये क्या है? विशेष। यह आम मीठा है, यह आम मीठा है। तो मीठा ये क्या है? आम के बारे में क्या क्या विशेष बताया है? मीठा है। तो मीठा ये क्या होगा? विशेषण। और आम ये क्या होगा? विशेष। इसके बारे में कहा गया है? आम के बारे में कहा गया है। जंगल में जंगली जानवर है ना? जानवर कैसे है? जंगली है। पालतू जानवर है क्या वहां? नहीं, जंगल में जंगली जानवर है। तो जंगली ये क्या हो गया? विशेषण। जानवरों के बारे में विशेष क्या कहा गया है? जंगली। तो जंगली हमें विशेषण क्या होता है, और जानवर विशेषण। हाँ, उसके बाद पार्क में बड़े बड़े झूले है। कैसे झूले हैं पार्क में? बड़े बड़े। तो बड़े बड़े ये क्या होगा? विशेषण। और किसके बारे में कहा गया है? झूले के बारे में कहा है। तो झूले ये क्या होगा? विशेष। उसके बाद इंद्रधनुष सतरंगी रंगों वाला होता है ना? तो कौन से रंगों वाला इंद्रधनुष होता है? सतरंगी, है ना? तो रंगों कितने होते हैं? सतरंगी। तो विशेषण सतरंगी। और किसके बारे में? कौन सतरंगी होता है? इंद्रधनुष सतरंगी होता है। तो विशेष इंद्रधनुष में इंद्रधनुष लिखना है। उसके बाद रजनी बहुत भली लड़की है। रजनी कैसी लड़की है? बहुत भली लड़की है ना? तो कैसी लड़की कैसी है वो? भली, है ना? अच्छी है ना वो, भली है। बुरी लिखा है क्या वहां? नहीं। तो लड़की के बारे में क्या कहा गया है? भली। तो भली उसका विशेषण है, विशेष है, तो भली लिखा है यहाँ। और किसके बारे में? भली कौन है? जो लड़की है वो भली है। तो वहां क्या लिखना है? लड़की। हाँ, देखो बच्चों, अभी विशेषण और विशेष इसके बारे में आपको देखो समझ में आया होगा। नहीं देखो, आपके यहाँ रिविजन में एक विशेषण और विशेष की वर्कशीट लेंगे। देखो अभी नीचे 67 पेज पर, कल मैंने आपको पहले पीरियड में काल सिखाए थे, है ना? कौन से काल? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, है ना? तो देखो अब नीचे गए वाक्यों को पढ़कर इनके काल लिखो। जंगल के पेड़ कट गए, है ना? कार्य पूरा हो गया है, है ना? तो वहां क्या होगा? पेड़ कट गए, तो वहां क्या होगा? भूतकाल। क्या होगा वहां? भूतकाल, है ना? कार्य पूर्ण हो गया है, क्रिया पूर्ण हो गई है, तो वहां हम क्या लिखेंगे? भूतकाल। जंगल के पेड़ कट गए, वहां आंसर क्या आएगा? भूतकाल। हाँ, कार्य पूर्ण हुआ है। दूसरा, हम वर्षा ऋतु में खूब पेड़ लगाएंगे। हम वर्षा ऋतु में खूब पेड़ लगाएंगे, क्रिया पूर्ण हो गई है क्या? नहीं, वो पेड़ लगाने वाली है। वर्षा ऋतु में जब बारिश आएगी तब वो पेड़ लगाएंगे, तो वो क्या होगा? भविष्यकाल। क्या होगा? उसके बाद बरगद दादा और अन्य पेड़ बातें कर रहे थे। क्या हो गए? बातें कर रहे हैं। कर रहे थे क्रिया पूर्ण हो गई? नहीं, क्रिया होने वाली है? नहीं, बातें कर रहे हैं, है ना? अभी क्रिया चालू है, तो वहां क्या आएगा? वर्तमान काल। क्या आएगा वहां? वर्तमान काल। उसके बाद बरगद दादा और अन्य पेड़ बातें कर रहे हैं। पक्षी गाते हुए उड़ते रहते थे। पक्षी गाते हुए उड़ते रहते थे, है ना? देखो ये कार्य कैसे उनका पूरा हो गया। उड़ रहे हैं क्या? उड़ने वाले हैं क्या? नहीं, उड़ते रहते थे, तो क्या हो गया? भूतकाल। क्या हो गया वो? भूतकाल। उसके बाद सभी बच्चे पेड़ों की रक्षा करेंगे।
देखो प्रक्रिया पूर्ण हो गई है नहीं, कर रहे हैं नहीं, करेंगे अभी किया नहीं, कार्य हुआ नहीं है, होने वाला है, तो क्या हो गया भविष्यकाल, क्या हो गया भविष्यकाल। उसके बाद आन्या बगीचे में गुलाब का पौधा लगा रही है, पौधा लगा रही है, क्रिया हो रही है, तो क्या होगा वहां वर्तमान काल, क्या होगा वहां वर्तमान काल। उसके बाद जुलाई में हमने विद्यालय में वृक्षारोपण सप्ताह मनाया था, जुलाई में मतलब क्रिया पूर्ण हो गई है ना, वृक्षारोपण हमने लगाया है, पूर्ण हुआ है, क्रिया पूर्ण हो गई है, तो वो क्या होगा भूतकाल, क्या हो गया भूतकाल। देखो आपको काल में भी, काल भी समझ गए होंगे है ना, देखो नहीं, देखो अभी ये भी हम रिवीजन में फिर से कंप्लीट करेंगे। अभी देखो पेज नंबर 66, ये आपको स्वयं ही करना है, पेज नंबर 66, और ये जो वर्ण वीक्षण है ये हम इस बार नहीं लेंगे, हाँ तो अगली बार मैं आपको सिखाऊंगी, ये हमें नहीं करना है, इसको इसको देखो यहाँ से क्रॉस करके रखो है ना, यहाँ से हमें देखो सर्वनाम की जगह हमें संज्ञा का, देखो संज्ञा शब्द लिखनी है, उसका कल कल बनता जल मन को सुहाता था, तो उसकी की जगह क्या आएगा नदी, कल कल बह नदी का कल कल बहता जल मन को सुहाता था, वहां जो सर्वनाम है वहां क्या आएगा संज्ञा है। एक दिन उनके जीवन में भूचाल आ गया, देखो उनके जो सर्वनाम है वो नीले रंग में दिए है ना, तो सर्वनाम की जगह हमें संज्ञा लिखनी है। एक दिन उनके जीवन में भूचाल आएगा, तो उनके के यहाँ क्या आएगा, एक दिन पेड़ों के जीवन में भूचाल आ जाएगा, उसके आदमी जंगल में आने की हिम्मत नहीं करते थे है ना। अभी देखो मैंने दो आपको बताए, अभी अगले अभी पांच है, तो वो आपको स्वयं ही करने हैं, लेसन पढ़ना है, और देखो सर्वनाम की जगह कौन सा शब्द आएगा वो आपको ही कंप्लीट करना है। देखो ये लेसन कंप्लीट होगा, अभी इस पर हम टेस्ट लेंगे, और टेस्ट कभी होगी ये मैं आपको व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड करूंगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।